नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपके लिए सीईटी की बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी। कब सीईटी का एग्जाम होगा, कब इसका डेट फाइनल की गई है और कितनी शिफ्टों में होगा, प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जो कि आपके साथ आज मॉर्निंग में भी हमने शेयर किया है, भी खट्टर साहब ने जो कि अनाउंसमेंट किया था उसकी पूरी की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर किया है। अब जो सीईटी की चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री, HSSC के चेयरमैन गोपाल सिंह खत्री जी ने जो कि बयान दिया है, वो आज की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते इन्फॉर्मेशन मिस हो जाएगी। अगर इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ये देख सकते हो, हरियाणा के सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सिर्फ 5 और 6 नवंबर को होगा। अगर कहीं पर दोबारा भी पेपर लेना पड़ा तो 7 नवंबर को होगा, जो कि हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री जी ने दैनिक सवेरा को ये जानकारी दी है। आज देख सकते हो 9 अगस्त है, 9 अगस्त की लेटेस्ट न्यूज है, कल की शाम की ये लेटेस्ट न्यूज है। हरियाणा के कर्मचारी आयोग की तरफ से ग्रुप सी और डी के लिए सीईटी के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 5-6 नवंबर को 4 शिफ्टों में परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने मंगलवार को दैनिक सवेरा को यह जानकारी गत 7 अगस्त को मुख्यमंत्री प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मानव संसाधन विभाग की सचिव अशिमा बराड़ और आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री, एनटीए के 2 अध्यक्ष सतीश गुप्ता और विनोद साहू, आयोग के सचिव विराट की बैठक की गई थी, जो कि 7 अगस्त को बैठक हुई थी। बैठक में ये फाइनल हुआ भी एग्जाम कब होगा। एनटीए के महानिदेशक विनीत जोशी ऑनलाइन जुड़े थे। अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में सीईटी की जो 3 तारीखें अनाउंस की हैं, 3 तारीखें कौन कौन सी अनाउंस की हैं जी, 5, 6, 7 नवंबर घोषित की है। उनमें से 5 और 6 नवंबर को ही 4 शिफ्टों में सीईटी का कॉमन परीक्षा आयोजित की जाएगी। और अगर किसी स्थान पर किसी कारणवश पेपर दोबारा करवाना पड़ा तो वो 7 अगस्त को होगा, इसलिए 3 तारीख घोषित की गई हैं। अध्यक्ष ने बताया कि आयोग ने एनटीओ को A, B और C कैटेगरी के परीक्षा केंद्रों की सूची सौंपी है। ए कैटेगरी के ये वे परीक्षा केंद्र हैं जिनमें आयोग परीक्षा आयोजित करवाता रहा है, और बी कैटेगरी के परीक्षा केंद्र में अब तब परीक्षा होती है जब उम्मीदवार ज़्यादा हों। सी कैटेगरी के परीक्षा केंद्रों में कभी भी परीक्षा नहीं ली गई, इसलिए एनटीए ने कहा है कि उनकी टीम फिजिकली परीक्षा केंद्रों को देख ले, अगर कोई बदलना पड़ा तो बदल दिया जाएगा। ठीक है जी। और ये 7 नवंबर को इनकी बैठक हुई है एनटीए के साथ, जिसमें ये पूरी पूरी डिटेल फाइनल की गई है। ठीक है जी। भाई एग्जाम 5 और 6 नवंबर को ये फाइनल है, क्योंकि उधरते से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने क्लियर कर दिया है, भी ट्वीट भी किया था, आपको उसकी भी डिटेल दी है, भी ट्वीट करके भी 5-6 विधानसभा में अनाउंस किया है भी 5, 6, 7 नवंबर को एग्जाम होगा सीटी का। और उधर से अब भोपाल सिंह खत्री ने बैठक की है एनटीए के साथ, और 5 और 6 को आपका सीटी कॉमन एलिजिबिलिटी का टेस्ट होगा। हो सकता है भी अब दोबारा पोर्टल पर जो जो कैंडिडेट रह रहे हैं दोबारा रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाए। ठीक है जी। परीक्षा की तैयारी पूरी सब कुछ एनटीए करेगा, अध्यक्ष ने कहा। अध्यक्ष को भोपाल सिंह खत्री ने यह बताया कि सीईटी की पूरी तैयारी कर ली गई है, सब कुछ एनटीए करेगा। हरियाणा सरकार लॉ एंड ऑर्डर मुहैया करवाएगी। एक शिफ्ट में 3 लाख उम्मीदवारों का पेपर होगा, इसलिए 4 शिफ्टों में पेपर होगा। उन्होंने बताया कि लगभग 11.4 लाख उम्मीदवारों का पंजीकरण है, लगभग 40,000 की फीस जमा होने का इशू है। ठीक है। सरकार ने आयोग से पूछा कि फीस अपडेट करने के लिए कुछ समय दे दिया जाए, यानी कि अब आयोग की तरफ से उम्मीद है भी सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन था वो अब दोबारा पोर्टल कुछ दिनों के लिए ओपन हो सकता है। कंफर्म नहीं है जी, भी हो सकता है, बट जो डेट है 5 और 6 नवंबर ये फाइनल कर दी गई है। अब क्योंकि विधानसभा में भी ये ऑब्जेक्शन उठा था अभी सीईटी का एग्जाम नहीं हो रहा, तो खट्टर साहब ने वहां पर भी विधानसभा में अनाउंसमेंट कर दी है
आज की अनाउंसमेंट देख सकते हो, भोपाल सिंह खत्री जी ने पूरी पूरी डिटेल बता दी है इस दैनिक सवेरा को भी, आप 5 और 6 को एग्जाम होगा, अदरवाइज 7 को अगर दोबारा लेना पड़ा तो 7 को दोबारा एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है जी। और ये आज की सबसे बड़ी अपडेट है आपके एग्जाम के रिलेटेड। अब अपनी कमर कस लीजिए, अपनी तैयारी फुल कर लीजिए ताकि आपको से ये मौका छूट ना पाए, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत अच्छी रही। अगर इसी तरह की और भी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो, तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, और इस वीडियो को इतना पब्लिक कीजिए ताकि कैंडिडेट्स को बहुत ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल पाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।